सिर्फ पत्नी को नहीं, सिर्फ पति को नहीं, वो दोनों को आशीषित करना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और वो स्त्री क्या कहती है, मेरे पास पति नहीं है, मैं बिना पति की हूं। और प्रभु यीशु ने कहा तो सच कहती है कि तेरे पास पति नहीं है। पढ़ेंगे, क्योंकि तू पांच पति कर चुकी है। सुनिएगा, उसने बोला मेरे पास पति नहीं है। इसके अगली थोड़ा सा ऊपर पढ़ो। स्त्री ने उत्तर दिया मैं बिना पति के हूं। और प्रभु यीशु ने कहा तू सच कहती है, तू बिना पति की है, तू सच कहती है कि मैं बिना पति की हूं। और फिर यीशु ने उससे कहा तू पांच पति कर चुकी है, अभी जो तेरे पास है वो भी तेरा नहीं है। और वो स्त्री अचंभित हो गई, हैरान हो गई, हक्की बक्की हो गई। और हक्की बक्की होकर बोलती है, हो प्रभु जी, क्या आप भविष्यद्वक्ता हैं? क्या आप वही मसीह तो नहीं जो आने वाला है? क्या आप वही मसीह तो नहीं जिसके बारे में हमारे पुरखा बताते थे कि एक मसीह आएगा और वो लोगों को सुसमाचार प्रीच कर उनके उद्धार का कारण बनेगा? तब प्रभु यीशु ने क्या कहा वहां पर, कहा हां मैं जो तेरे सामने खड़ा हूं वही हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। और इस दौरान जब प्रभु यीशु उस स्त्री से बात कर रहे थे, इस दौरान चेले आ गए, खाना लेने के लिए गए थे मार्केट में, वो बाजार में खाना लेने के लिए गए थे और वो आ गए और उन्होंने यीशु को एक सामरी औरत के पास खड़े हुए देखा और चेले हैरान हो गए। पहले तो स्त्री हैरान हो गई थी, हक्की बक्की हो गई थी, लेकिन उसका हक्का बक्का होना जो था वो यीशु ने क्लियर कर दिया कि हां मैं ही वो उद्धार करता हूं। अब वो तो स्त्री हैरान हुई, अलग बात थी, अब चेलों के ऊपर हैरानी चली गई, चेले हैरान हो गए। चेले आखिरकार किस बात से हैरान हुए, यहां मुद्दा उठ जाता है, कौन सी बात थी जिससे वो हैरान हो गए? नंबर एक कि वो औरत सामरी थी, चेलों को मालूम था कि वो औरत सामरी है। नंबर दो, वो औरत पांच पति कर चुकी थी, एक के बाद एक, मन टिकता नहीं, मन संतुलन में नहीं है। और यही बातें हैं जो घरों को खराब कर देती हैं, यही बातें हैं जो परिवारों को नाश कर देती है। क्या कहते हैं, वो स्त्री पांच पति कर चुकी थी, हो सकता है चेले उस स्त्री के बारे में जानते हो सकता है उसके करैक्टर को जानते हो। आज आप सोचिए, अपने दिमाग से सोचिए कि कोई औरत गलत हो और मैं आपको वहां खड़ा हुआ दिख जाऊं तो आप क्या सोचेंगे, आप हैरान होंगे या नहीं? आप हैरान हो जाएंगे, My God, अपोस्टल जी यहां क्या कर रहे हैं, हाँ या ना? आप हैरान हो जाएंगे। यदि आप किसी के उसके करैक्टर को जानते हैं तो आप हैरान हो जाएंगे। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, वहां चेले हैरान हो गए। हैरान सबसे मेन बात थी, सबसे मेन बात जिससे वो हैरान हुए वो कौन सी थी, हम पढ़ेंगे मती 10वां अध्याय उसकी 5 आयत जिससे वो हैरान हुए। वो क्या बात थी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। यहां पर प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा था सामरियों के बीच में जाकर प्रचार ना करना, अन्य जातियों को जाकर सुसमाचार प्रीच ना करना, यहां पर मना किया था। जाकर कहता है इज़राइल को छोड़, यहूदियों को छोड़, किसी और को प्रीच ना करना, क्योंकि प्रभु यीशु खुद यहूदी थे और वो व्यवस्था को पढ़ते थे और व्यवस्था कहती थी सामरियों को प्रीच ना करो, व्यवस्था कहती थी अन्य जातियों को प्रीच ना करो, तुम यहूदियों को प्रीच करो, क्योंकि यहूदियों में से उद्धार करता पैदा हुआ था, उसका नाम यीशु मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड।
चेलों को मना किया था प्रभु यीशु ने मत सामरियों में प्रीच करना, लेकिन हैरानी इस बात की थी कि यीशु खुद आप कहां खड़े हैं। कुछ समझ रहे हैं? प्रभु यीशु ने चेलों को वार्निंग दी थी, मना किया था मत जाना वहां, वहां प्रीच मत करना, उनके बीच में खड़ा होकर सुसमाचार प्रचार मत करना, लेकिन प्रभु यीशु खुद आप सामरी औरत के पास खड़े हैं, खुद आप सामरी नाम के गांव के पास खड़े हैं और वहां उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं, उनके रूबरू हो रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो चेले हैरान हो गए, यार कैसा आदमी है। चेलों ने एक दूसरे से बात की, ये कैसा व्यक्ति है, हमें तो शिक्षा दे रहा था वहां मत जाना, हमें तो शिक्षा दे रहा था उनको प्रीच मत करना, खुद गॉस्पल प्रीचिंग किए जा रहा है। हाँ या ना? पढ़िएगा, पढ़िए यहाँ जरा। इन बारों को यीशु ने ये आज्ञा देकर, इन बारों को सुनिएगा, यहाँ रुके जरा। खाना लेने कितने लोग गए थे? बारह। तो इन बारों को यीशु ने शिक्षा दी थी, पढ़िए, अन्य जाति की ओर ना जाना, अन्य जाति की ओर ना जाना, सामरी अन्य जाति थे। हाँ जी। और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश, सामरियों के किसी नगर में प्रवेश ना करना, प्रवेश ना करना। मैं आपको दिखाऊंगा, जिस गांव की बात यहाँ पर चल रही है उसी गांव के अंदर यीशु मसीह दो दिन रुके। प्रेज द लॉर्ड। कहा तो प्रभु यीशु ने कह दिया सामरियों के गांव में मत जाना, उनके नगर में मत जाना, लेकिन खुद उसी नगर में खड़े होकर प्रचार कर रहे हैं, खुद उसी नगर में दो दिन रुक रहे हैं। मैं बाइबल से निकाल के पढ़ाऊंगा आपको, जहां लिखा है दो दिन प्रभु यीशु वहां रुके। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन क्यों रुके, क्या कारण था, उसको पढ़ेंगे। पढ़िए आगे, पढ़िए उसको कि चेलों को, बारह चेलों को समझाया, परंतु इसराइल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों, इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को प्रीच करना, आगे भेड़ों के पास जाना। हाँ, और चलते चलते ये प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। चलते चलते ये प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। चलते चलते लोगों को बताओ, जीसस इज कमिंग सून। चलते चलते लोगों को बताओ, उसमें चाहे कोई सामरी हो चाहे अन्य जाति हो, लोगों को बताओ कि यीशु जल्द आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। यहां प्रभु यीशु ने 12 चेलों को बोला, चलते चलते लोगों को बताओ, अगर अन्य जाति मिल जाए तो चलते चलते बताओ, लेकिन इसराइली मिले तो रुक कर प्रीच करो। ये मतलब था प्रभु यीशु का। आगे पढ़िए, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ। माय गॉड, मुर्दों को जिंदा कर दो। प्रभु यीशु ने ऑर्डर पास किया, बीमारों को चंगा करो, मुर्दों को जिंदा कर दो, कोड़ियों को शुद्ध करो, कोड़ियों को शुद्ध करो। जो जो काम प्रभु यीशु करते थे वो काम प्रभु यीशु ने चेलों को भी कहा, तुम भी करो। दुष्ट आत्माओं को निकालो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेत मित पाया है, सेत मित दो। तुमने सेत मित पाया है, सेत मित मतलब तुमने मुफ्त पाया है, मुफ्त बांट दो। तुमने बहुतायत से प्राप्त किया है, बहुत ताया से दे दो। प्रेज लॉर्ड। क्या आप बहुत ताया से लेना चाहते हैं? यदि हां तो ध्यान से सुनिएगा, चेला बनने की कोशिश में रहिए। विश्वासी बनेंगे तो दुष्ट आत्माओं से डरेंगे, सिर्फ विश्वासी बनेंगे तो आपको शैतान की शक्तियों से डर लगेगा, परंतु जिस दिन आप चेले बनेंगे, चेले का मतलब ये नहीं है कि आप पास्टर बन जाएं, चेले का मतलब ये नहीं है कि आप अपोस्टल बनेंगे तभी चेले बनेंगे। बाइबल कहती है जिस वक्त प्रभु यीशु उनको सिखा रहे थे उस समय सिर्फ वो चेले थे, अपोस्टल नहीं थे। उस समय सिर्फ चेले थे, टीचर नहीं थे, लेकिन गॉस्पल प्रीच करने वाले मिशनरी जरूर थे। हालेलुया।
सुसमाचार सुनाओ। जब आप सुसमाचार सुनाएंगे, याद रखिएगा, सुसमाचार वही सुना सकता है जिसको बाइबल याद है, जो बाइबल को पढ़ता है। यदि आपने पराठा खाया है तो आप पराठा, अगर वो आलू का तो आप प्रॉपर बता सकते हो आलू का टेस्ट कैसा था। अगर आपने मूली का पराठा खाया है तो आप मूली के पराठे के बारे में तभी बता सकते हैं यदि उसमें मूली थी, अन्यथा नहीं बता पाएंगे। सेम उसी तरीके से यदि आप किसी को यीशु के बारे में बताना चाहते हैं तो आपको बाइबल पढ़नी होगी। जैसे आप बाइबल पढ़ेंगे आप आसानी से लोगों को आराम से बता पाएंगे यीशु कौन है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लोगों को बचाने के लिए आपको किसी ग्रंथ की नॉलेज की जरूरत नहीं है। आत्माओं को बचाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ पवित्र शास्त्र की नॉलेज होनी चाहिए और आत्माएं बचनी शुरू हो जाएंगी। आमीन। इन 25 सालों में मुझे हजारों लाखों लोगों ने कहा, विनोद प्रोचिया जी आपको उस ग्रंथ की नॉलेज होनी चाहिए, आपको उस वेद की नॉलेज होनी चाहिए। मैंने बोला भैया मुझे किसी की नॉलेज नहीं है, सिर्फ बाइबल की नॉलेज है। और इन 25 सालों में मैं लाखों लोगों को सिर्फ बाइबल के जरिए उद्धार में लेकर आया हूं। सिर्फ बाइबल के जरिए। बाइबल में इतनी पावर है, पवित्र शास्त्र में इतनी पावर है, जैसे आप इसको प्रीच करते हैं आप साबित करते हैं कि ये पवित्र शास्त्र, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा रचा गया है। आमीन। सोचिए, मेरा पूरा फैमिली हिंदू बैकग्राउंड से है, लेकिन सिर्फ बाइबल को प्रीच कर मैं कितनों को प्रभु में ले आया। किसी का विरोध नहीं किया, आज तक मैंने किसी का विरोध नहीं किया, सिर्फ यीशु की तारीफ की और लोगों को प्रभु में लाता गया, लाता गया, लाता गया। आमीन। इस बात को समझिए, आपको सीखना जरूरी है। यदि आपको मेरी तरह गॉस्पल प्रीच करना आ गया, आप भी हजारों लाखों लोगों को जीतने शुरू हो जाएंगे। आमीन। एक बहन को, एक भाई को शांति देना एक सोशल वर्क है। आमीन। एक भाई को, रूसे हुए भाई को मना लेने का मतलब है नगर को जीत लेना। तो पवित्र शास्त्र परमेश्वर का वचन कहता है, चेलों को प्रभु यीशु ने बता दिया था कि तुम सामरियों में मत जाना, अन्य जातियों में मत जाना, सिर्फ कहां जाना, यहूदी लोगों में, यरूशलेम के लोगों में, उनको प्रीच करना। और यहाँ पर मैं शॉर्ट में बताऊंगा कि प्रभु यीशु उस जगह पर खड़े हुए प्रीच कर रहे थे, उस औरत को बता रहे थे, चेले हैरान हो गए, बिल्कुल हक्के बक्के हो गए, अरे यार ये व्यक्ति हमें रोक रहा है और खुद कर रहा है। लेकिन वो इस बात को भूल गए थे कि प्रभु यीशु ने ये कहा था, चलते चलते प्रीच जरूर करना। आमीन। चलते चलते, तो प्रभु यीशु भी चलते चलते सामरी जगह पर खड़े खड़े, अभी नगर में नहीं गए हैं, वो तो गांव से बाहर हैं, नगर से बाहर हैं, और उस स्त्री को चलते चलते, क्योंकि पानी की प्यास लगी थी, अभी तो रास्ते में थे प्रभु यीशु, प्रभु यीशु चलते चलते उस सामरी औरत से प्रीच कर रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। अब चलते चलते वहां चमत्कार हो गया, उसमें प्रभु यीशु क्या कर सकते हैं। चलते चलते वहां इतना बड़ा चमत्कार हो गया। क्या चमत्कार हुआ, वो औरत को प्रभु यीशु ने सब कुछ बता दिया और वो औरत वहां से चल दी, वो औरत चल दी और उधर से चेले यीशु के पास आ गए। औरत गांव में चली गई और यीशु के चेले यीशु के पास आ गए। हो सकता है चेले पूछने लगोगे, प्रभु आप यहूदी हैं, आप तो यहूदी हैं और सामरी औरत से बात कर रहे हैं, आपको याद है आपने हमें मत्ती 10वां अध्याय उसकी 5वीं आयत में, उस समय ये नहीं लिखा हुआ था लेकिन उन्होंने वो दिन याद करवाया होगा, उस दिन याद आपने हमें शिक्षा दी थी सामरियों के पास मत जाना। हो सकता है प्रभु यीशु ने कहा, बेटा मैंने ये भी कहा था चलते चलते प्रीच जरूर करना। प्रेज द लॉर्ड। चलते चलते अगर कोई मिल जाए छोड़ना मत, उसको बताना कि मैं उद्धार करता हूं। हालेलुया। फिर वो किसी भी बिरादरी का क्यों ना हो, फिर वो किसी भी कास्ट का क्यों ना हो, क्योंकि उसको शांति की जरूरत है। और जब शांति
की बात आती है, मर्दा क्या ना करदा, लोग प्राण के बदले सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हैं, भूल जाते हैं अपनी जात बिरादरी को, और वो कहते हैं बस हमें तो शांति दे दो, कहीं भी मिल जाए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु ऊंची कास्ट के होकर, प्रभु यीशु यहूदी होकर उस औरत के जात को ना देखते हुए, उस औरत की बिरादरी को ना देखते हुए, उस औरत की आत्मा को देखा और प्रभु यीशु को तरस आया और उन्होंने उनकी उस औरत की आत्मा को बचाने का पिता की अगुवाई में प्लान बनाया। आमेन। और वह औरत दौड़कर गांव में गई, नगर में गई और जाकर बोलती है मुझे भविष्यद्वक्ता मिला है, मुझे भविष्यद्वाणी करने वाला मिला है, लेकिन ये जो भविष्यद्वाणी कर रहा है ये मेरे लाभ की भविष्यद्वाणी, मेरे पैसे की भविष्यद्वाणी, मेरे घर की भविष्यद्वाणी, मेरी गाड़ी की भविष्यद्वाणी नहीं कर रहा, ये मेरी आत्मा को बचाने की भविष्यद्वाणी कर रहा है। ये मेरे उद्धार की भविष्यद्वाणी कर रहा है। अभी मैं सुन रहा था किसी की एक बात को, किसी ने कहा, किसी बहन ने कहा कि सर एक भविष्यद्वक्ता मेरे घर आए थे और उन्होंने बताया कि तेरा पति पापी है, सर आप क्या कहते हैं इसके बारे में। मैंने बोला मेरी बहन बाइबल के अंदर किसी भी जगह पर जिसने पाप किया भविष्यद्वक्ता पापी के पास गया और उसको चिताया। मेरे साथ हैं? बाइबल में लिखा है दाऊद ने पाप किया तो नतान नबी दाऊद के पास आया। इस औरत ने पाप किया, पांच पति ये औरत कर चुकी थी और यीशु हमारा भविष्यद्वक्ता बनकर औरत के पास गया, पांच पतियों के पास नहीं गया। पांच पतियों को जाकर नहीं बोला भैया वो औरत ठीक नहीं है, बल्कि उस औरत को चिताया। हालेलुया। उस औरत को सुधरने के लिए मौका दिया। प्रेज द लॉर्ड। पांच पतियों की गलती नहीं थी, एक पत्नी की गलती थी जिसने पांच पति किए थे। कुछ समझ पा रहे हैं? तो याद रखिएगा, मैंने उस बहन से बोला मेरी बहन प्रभु यीशु कभी किसी के घर में लड़ाइयां नहीं करवाते, आपने पाप किया है तो प्रभु यीशु डायरेक्ट अपने दास को भेजकर आपसे बात करेंगे। ऐसा प्रभु यीशु नहीं करते कि पत्नी ने गलती की तो पति को जाकर बताएगा प्रभु, और पति ने गलती की तो पत्नी को जाकर बताएगा। पूरी बाइबल के अंदर किसी भी जगह मैंने एक भी चैप्टर नहीं पढ़ा कि जहां यीशु मसीह भविष्यद्वक्ता भेजकर पाप कोई कर रहा है बता किसी और को रहे। आमेन। इस बात को सीखिए, यदि हम इस बात को सीख गए तो हमें कोई गुमराह नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र शास्त्र परमेश्वर का वचन कहता, मैंने उस बहन को बोला यह भी तो हो सकता है कि आपका पति बिल्कुल ठीक हो, यह भी तो हो सकता है कि यह भविष्यद्वाणी गलत हो। हां सर आप सही कह रहे हैं। मैं कहता देखिए, वो कहती मेरे मुझसे पूरी रात नींद नहीं आई, मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपने पति से पूछ लूं। मेरी बहन 36 साल आपकी शादी को हो गए हैं, 47 साल आपकी शादी को हो गए हैं, मेरी बात समझ रहे? आपकी शादी को कितना भी समय हो गया है, यदि कोई आपके पति और पत्नी के बारे में आकर आपसे कहता है विश्वास ना करें जब तक कि आप देख ना लें, शक को जन्म ना लेने दें, शक को पैदा ना होने दें। प्रेज द लॉर्ड। मुझे वो बहन बहुत अच्छी लगी। उस बहन ने मालूम क्या कहा, अपोस्टल जी आप ठीक कहते हैं और मैं आपकी बात पर विश्वास करती हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? आपको इस बात को ये सोचना चाहिए कि मुझे ये बात किसी ने बताई ही नहीं है। आप सोचिए कि मुझे ये बात पता ही नहीं है। आमेन। अगर 1% ये बात सच ना निकली आपका पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। आपका पति मान लीजिए बिल्कुल सही हुआ तो पति डिसीजन लेगा मैं सुसाइड करूंगा, मेरी पत्नी को मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। क्या कहते हैं? अगर पति सही हुआ तो क्या करेंगे? वो कहती बिल्कुल सही, वही हुआ, पति सही था। कुछ समझ आई?
मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यदि आपको आकर कोई भी भविष्यद्वाणी करता है, यदि आप बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल आपके अंदर है, आप बाइबल के मुताबिक चलते हैं, तो आप पहला यूहन्ना 4 उसकी पहली आयत के मुताबिक बाइबल यूं कहती है, हर आत्मा की प्रतीति ना करना, हर आत्मा का विश्वास ना करना, परंतु परखो कि वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं। ये बाइबल कह रही है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आपको मैं चाहिए या बाइबल? ऊंची आवाज में बोलिए, आपको मैं चाहिए या बाइबल? आप मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं बाइबल से? तो ध्यान से सुनिएगा, बाइबल से सिर्फ प्यार मत कीजिए, पढ़िए। और सिर्फ पढ़िए मत, बाइबल के मुताबिक चलिए। प्रेज द लॉर्ड। जिस वक्त आप बाइबल को समझ गए, तो याद रखिएगा, आपका यहां बैठना खराब नहीं है, आपका यहां वचन सुनना खराब नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, चेले आए, बातचीत हुई होगी, और चेलों को प्रभु यीशु ने बताया होगा, बेटा मेरे पिता ने मुझसे कहा, इस औरत से बात कर, मैंने बात कर ली। आमेन। जब तुम्हें आत्मा अगुवाई करे कि सुसमाचार प्रीच करो, मत रुकना, प्रीच करना, वो भले फिर किसी भी बिरादरी का क्यों ना हो, वो फिर चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे वे ऊंची कास्ट का हो, चाहे फिर वो नीची कास्ट का हो, उसकी आत्मा की कास्ट नहीं होती। जात बिरादरियां शरीर की हैं, आत्मा की कोई जात नहीं है, और आत्मा को बचाने वाला परमेश्वर जात पात को खत्म कर एक जात को लेकर आता है, वो है इंसानियत की जात। प्रेज लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं कि आप कुछ ना कुछ सीख पा रहे हैं। आमेन। बाइबल परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उसके आगे हम पढ़ेंगे। अगर आप यूहन्ना 4 उसकी 40 और 41 आयत जरा पढ़ दें, तो वहां क्या लिखा है पढ़िए जरा। तो उससे बेनती करने लगे कि हमारे यहाँ रह, अंत में वहां 2 तक रहा। उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया। किस किस को क्लियर हुआ कि यीशु उस नगर में जो सामरी था वहां 2 तक रहे? आमेन। क्या हुआ? बाइबल कहती है उस औरत ने जाकर बताया, मुझे एक भविष्यद्वक्ता मिला है, और वो भविष्यद्वक्ता ने जाकर 5 को जाकर शिकायत नहीं की, मुझे आकर सुधार दिया। आमेन। वो मेरे जीवन में बदलाव लेकर आया है। वो व्यक्ति ने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया है। वो जो आप लोग जानते हैं, जो सामरी मेरे बारे में जानते हैं, वो यहूदी ने बता दिया, जबकि वो कभी हमें मिला तक नहीं है। और सारे जो सामरी लोग थे वो दौड़कर यीशु के पास आए, कौन है वो व्यक्ति, चलो हमें दिखाओ। और उस औरत के पीछे पीछे लगकर वो यीशु तक पहुंचे। बाइबल यूं कहती है, जब यीशु तक पहुंचे, तब उन लोगों ने यीशु से विनती की, रिक्वेस्ट की, क्या कहा, स्वामी आप हमारे नगर में चलिए, आप हमारे नगर में रहिए, प्लीज रिक्वेस्ट है, हम भी देखना चाहते हैं आप कौन है। उनकी ललक थी कि यीशु कौन है, वो जानना चाहते थे कि यीशु कौन है, वो पहचानना चाहते थे कि यीशु में कौन सी सामर्थ काम करती है। और प्रभु यीशु उनके पीछे चल दिए, और प्रभु यीशु उस गांव में गए, और प्रभु यीशु उस सामरी जगह पर 2 तक रुके। हालेलुया। आपने सुना होगा अक्सर, इस औरत के जरिए बदलाव आ गया। आपने सुना होगा अक्सर कि इस औरत ने जैसे यीशु को अपना जीवन दिया, पूरा गांव बदल गया। लेकिन गांव बदला कैसे? वो औरत अकेली गांव में गई, ये सच है। उस औरत ने अकेली ने जाकर यीशु के बारे में बताया, ये सच है। लेकिन बाद में वो औरत यीशु को भी उस गांव तक लेकर गई। Praise the Lord.
आज आपका जीवन बदल गया है, यदि आज आपके जीवन के अंदर मसीह काम कर रहा है, यदि आज आपके जीवन के अंदर मसीह का वचन काम कर रहा है, यदि आज आपका आत्मा बचाया गया है, यदि आज आपके आत्मा के ऊपर छुटकारा आया है, तो आज आप अपने घर में अकेले मत रहिए, यीशु को अपने घर में लेकर जाइए, यीशु को अपने गांव में, अपने शहर में, अपने नगर में लेकर आइए। और प्रभु यीशु जाना चाहते हैं, प्रभु यीशु को सिर्फ आपको रिक्वेस्ट करनी है, प्रभु यीशु मेरे घराने में आइए, प्रभु यीशु मेरे परिवार में आइए, प्रभु यीशु मेरे शहर में आइए, प्रभु यीशु मेरे देश में आइए। आप जैसी रिक्वेस्ट करेंगे, प्रभु यीशु विनतियों को सुनकर जवाब देने के सामर्थ्य रखते हैं, और प्रभु यीशु तुरंत कह देंगे, मेरी पुत्री मैं आज तेरे घर जाऊंगा, मेरे पुत्र मैं आज तेरे साथ साथ चलूंगा। प्रेज द लॉर्ड। दो दिन प्रभु यीशु उस नगर में रुके, और दो दिन के बाद रिवाइवल आ गया। दो दिन उस नगर में रुके और दो दिन की वो पावर पूरे गांव पर काम करने लगी। दो दिन की सामर्थ गांव वासियों को बदलने लगी। और दो दिन बाद मालूम आपको वो सामरी क्या कर रहे थे? दो दिन बाद वो सामरियों ने बोला, हम सिर्फ अब तेरी बात पर विश्वास नहीं करते, हम सिर्फ अब जो तूने इस मनुष्य के बारे में कहा था हम उस बात पर विश्वास नहीं करते, बल्कि हमने तो अपनी आंखों से देख लिया है, ये जैसा कहता है वैसा ही है। आमेन, आमेन। क्या आप लोगों को जाकर यीशु के बारे में बताते हैं? क्या आप लोगों को जाकर गॉस्पल प्रीच करते हैं? क्या आप लोगों को जाकर बताते हैं, आप हमारी कलीसिया में एक बार जाइए तो सही, एक बार वहां बैठिए तो सही, आप देखिए परमेश्वर आपको छू लेना चाहता है, देखिए आपके हृदय को छू लेना चाहता है, परमेश्वर आपके हालातों को बदल देना चाहता है। क्या आप किसी को समझा कर यहां लाते हैं? यदि हाँ तो ध्यान से सुनिएगा, जब वो व्यक्ति आपके जरिए यहां पर आता है, जब वो व्यक्ति आपके जरिए यहां पर बैठ जाता है, तब वो देखता है कि यीशु कैसे काम कर रहा है, तब वो व्यक्ति क्या कहता है, एक हफ्ते दो हफ्ते तीन हफ्ते बाद कहता है, बस अब आप मुझे मत बताइए, मैंने अपनी आंखों से देख लिया यीशु क्या करता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। इस बात को जानिए, उस स्त्री ने क्या किया, जो उस स्त्री ने किया यदि आप भी करते हैं तो जो आशीष उस स्त्री ने पाई वो आप भी पाएंगे। क्या आप ऐसा करते हैं? क्या आपने कभी यीशु के बारे में लोगों को बताया? क्या आपने कभी प्रभु यीशु से कहा, प्रभु मेरे घर में आ जाइए? क्या आपने कभी प्रभु यीशु से कहा, प्रभु मैं धीरे धीरे आप में मजबूत हो जाऊंगा और एक दिन आपको अपने गांव में लेकर जाऊंगा, एक दिन आपको अपने शहर में लेकर जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु यीशु जिस दिन आपके साथ जाएंगे उस दिन जागृति उतर आएगी, बदलावट उतर आएगी। शिखरे कहते देखते। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु हम आपके नाम की महिमा करते स्वामी, आज के दिन के लिए, इस समय के लिए परमेश्वर, मैं आपके इस पूरे परिवार को आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु जी आपके बच्चों ने, आपकी बच्चियों ने पूरे दिल से स्वामी कान धरकर परमेश्वर, आंखों की टकटकी लगाकर परमेश्वर इस वचन को सुना है, ये वचन इनके हृदय में काम करने पाए, ये वचन इनके जीवन में काम करने पाए, हर प्रकार की समस्याएं, अंधकार की शक्तियां जो इन्हें तंग करती हैं, परेशान करती हैं, मसीह यीशु के जीवित नाम में वो शर्मिंदा हो जाएं, मसीह यीशु के जीवित नाम में इनके घरों में आपकी सामर्थ नजर आने पाए, यीशु के जीवित नाम में। आमेन, आमेन।